ਖੁਰਾਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੁਰਾਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਰਾਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਾਫਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਜਾਜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਰਾਦੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖਰਾਦੀਏ ਨੇ ਖਰਾਦ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਟੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਖਰਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਦੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਰਾਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਵੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਖਰਾਦੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਖੜੇ ਹੈ 1947 ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਖਰਾਦ ਕਾ ਕੰਮ ਹੋਤਾ ਥਾ ਔਰ ਇਸ ਸੇ ਆਗੇ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਆ ਥਾ ਔਰ ਜਹਾਂ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਏਰੀਆ ਥਾ और जहाँ पर जो खराद का काम होता था जो खरादिये लोग होते थे जहाँ पर अपना काम करते थे बेलने चकले जितना भी लकड़ का काम होता था या दूसरे काम होते थे जहाँ पर खराद लगी होती थी तो जो लोग खराद का काम करते थे लेकिन अभी हम इस बाज़ार में आए हैं देखते हैं कि जहाँ पर खराद की दुकान है या नहीं आज या ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पर देखें पिछली हवेलियाँ देखें अंदर तक जो पुरानी बनी हुई है इस समय हम खरादिया बाज़ार में खड़े हैं ये चौड़े बाज़ार के साथ ही बाज़ार पड़ता है और ये एक हम पुरानी आपको इमारत दिखा रहे हैं जहाँ पर हवेली दिखा रहे हैं और इसका इतिहास क्या है कभी आपको पूछ के बताएंगे किसी से 1947 से पहले के ये बाज़ार हैं और देखिए ये पुरानी इमारत जो 3-3 मंजिला बनी हुई है और पंसारी बाज़ार के साथ ही ये जो जिस बाज़ार में इस समय हम खड़े हैं ये खरादिया बाज़ार था जहाँ पर खराद का काम होता था लेकिन आज भी एक जहाँ पर खराद की दुकान मौजूद है जहाँ पर जो लकड़ी का काम होता है हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनसे मिलवाते हैं कि ये जो काम अब कर रहे हैं आज से सैकड़ों वर्ष पहले भी यहाँ पर होता था और आज भी ये कर रहे हैं अपनी परम्परा को जो निभा रहे हैं तो अभी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर छोटी ईंट का जो घर बना हुआ है जो पुराना घर है 400-500 साल पुराना जो घर है लोधी खां से पहले भी ये घर था 500 साल हो चुके हैं इन बिल्डिंग को बने हुए इतिहास बदल जाता है लेकिन खंडर आज भी मौजूद हैं यहाँ पर इस समय हम खरादिया बाज़ार में हैं सुभान बख्शी इससे पहले उर्दू जब चलता था उर्दू के वक्त का ये लिखा हुआ है आपको उर्दू भी दिखाई दे रहा होगा इसके बीच में अंग्रेजी और उर्दू चलता था उस समय गुरुमुखी या पंजाबी नहीं थी और ना ही हिंदी थी जो मेन लैंग्वेज थी वो उर्दू था और उसके साथ इंग्लिश चलती थी इंग्लिश जो अंग्रेज़ों की लैंग्वेज थी ये कुच्चा देखिए सुभान बख्शी है जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये पुराने कुच्चे की ऐसी प्लेटें लगी होती थी खरादिया बाज़ार में खड़े हैं जैसे हमारे बुज़ुर्ग जो लोग हैं वो बताते हैं कि खरादिया बाज़ार में 1947 से पहले जहाँ पर खराद का काम होता था लकड़ी का काम होता था और आज हम एक ऐसी दुकान पर आए हैं जो आज भी मौजूद है यहाँ पर जिसका अर्जुन दास किशन दास बलदेव राज और आज सोनू जी यहाँ पर बैठे हैं आज भी अपनी परम्परा को जो उनका खानदानी कारोबार है उसको कर रहे हैं यहाँ पर और आज भी एक दुकान जहाँ पर मौजूद है खरादिया बाज़ार में जहाँ पर लकड़ी का काम होता है ये पहले खराद से काम होता था बेलने चकले और ना जाने कितना काम होता था जो लकड़ी का जहाँ पावे वगैरह भी बनते थे और मंधारी वगैरह भी बनती थी और जहाँ पर अलग अलग चीज़ें पड़ी हम आपको दिखा रहे हैं जो हथौड़ी वगैरह में डाले जाते हैं ये और ये कही वगैरह जो होती हैं और ये देखिए ये मंदिर की घंटी बजाने के लिए ये जो गुरुद्वारे में घंटी होती है उसको बजाने के लिए ये हथौड़ी वगैरह जो बना रखी हैं और देखिए जो संत लोग जो होते हैं जो हथौड़ी के नीचे रख के इसको अपनी तपस्या वगैरह करते थे और उसके बाद ये जो इनके पास और भी जो एंटीक चीज़ें हैं यहाँ पर बना रखी हैं और देखिए यहाँ पर ये खड़ाम रखी हुई हैं और ये जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर इनके पास हैं ये सब पहले चलती थी
पुराने समय में लकड़ी के काम से ही सारा कारोबार होता था, और आज हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखा रहे हैं जो शायद बच्चों ने ना देखी हो, लकड़ी के काम की जो हैं। तो आजकल समय बदल गया है, लोहे का काम आने लगा है। ये देखिए, ये पावे वगैरह इससे बनते, इससे क्या बनता था? ये स्नेहार लोग हैं जो इससे काम वगैरह करते हैं। और ये सारे टूल्स हैं जहाँ पर, जो अलग अलग टूल्स बने हुए हैं। तो अभी जो हमारे सामने सोनू जी बैठे हैं, तो ये हमें बताएंगे कि ये जो खरादिया बाजार है, आज से नहीं 100-150 साल पीछे जो हम खरादिया बाजार में एक ही दुकान है जो आज भी खरादियों का काम करती है। मशीन चाहे इन्होंने किसी और जगह लगा लिया, लेकिन दुकान इनकी आज भी जहाँ मौजूद है। सोनू जी, आप हमें बताएं थोड़ा सा। ये मेरे सामने सोनू जी हैं, तो इनके डैडी के बाद उनके डैडी और उनके बाद उनके डैडी, यानी कि परदादा, दादा परदादा, जहाँ पर ये काम करते आ रहे हैं। 1947 से पहले जहाँ मुस्लिम आबादी थी, तो यहाँ पर इस साइड पर हिंदू आबादी थी, तो यहाँ पर जो खराद का काम है सदियों से ये करते आ रहे हैं। तो सोनू जी हमें बताएंगे आपको ये कारोबार करते हो। देखिए जो पीछे छोटी ईंट का जो घर है इनका, देखिए इधर दिखाओ, वो देखिए छोटी ईंट लगी हुई है जहाँ पर। ये घर भी इनका पुश्तैनी है, जहाँ पर सैकड़ों साल हो चुके हैं इनको रहते हुए। और देखिए इनके हिस्से में इतनी जो जगह आई है, जो भी है इस समय इनके पास इतनी छोटी दुकान है। आज भी ये परंपरा को निभाए हुए हैं, खानदानी कारोबार कर रहे हैं लुधियाना शहर में। जब लुधियाना शहर में कभी आप आओ तो खरादिया बाजार में चौड़ा बाजार से आ गए ये, और दीपा हलवाई है जहाँ पर लस्सी वाला, उसके साथ ही इनकी दुकान है। और जब भी कोई बच्चों को साथ आप देखना चाहें तो ये आज दुकान जहाँ पर मौजूद है, जो आज परंपरा को निभाए हुए हैं। सोनी, कितने साल हो गए आपको ये काम करते? 42 साल हो गया। मेरे फादर उन्होंने फादर कर रहे हैं जी, हूँ मैं कर रहे हैं जी। देखिए जी, 40 साल से खुद बैठे हैं, और उनके जो फादर थे, और उनके फादर थे, फिर उनके फादर थे, दादा परदादा जो ये काम करते आ रहे हैं। तो आजकल आपको इसमें रिस्पॉन्स है, कोई काम भी जो रिस्पॉन्स है आजकल की नहीं है? ठीक है, दाल रोटी चली जाती है, वधिया दे देना, खुशी महसूस होती है। काम करते बहुत वधिया जी, बहुत वधिया काम है, खानदानी काम है। हूँ असि खराद के थे और लगा ले जगह से, काली सड़क को मेन है साडा अड्डा यही है। तो माल तैयार कर, हाँ जी हाँ जी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मिलने चकले वगैरह पूरा, कोई भी आइटम लकड़ की तैयार कर दी, हाथ ना हो, मशीन ना हो, जिदा मर्जी। आइटम होंगे दस दो साल जी बनाते है, थोड़ा जो पता ही होगा। साढ़े को आते जी उन्हें बैकरिया के वेलने, थोड़े मोटे पावे, बैड के पावे, सोफे के, हरेक चीज़, मतलब हरेक तक सब कुछ जो को मंगल गाह कोई चीज़ बना दी है, सैंपल लैन दे, ऑर्डर तैयार, ऑर्डर से तैयार कर दी। जो इनके पास हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं, जो गोल्ड स्मिथियाँ सुनारे हैं, जो इनसे परचेज करके ले जाते हैं और इनसे जो काम करते हैं, ये अलग अलग आइटम हैं। और देखिए जहाँ पर और भी आपकी चीज़ें दिखा रहे हैं, जो अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर, देखिए अगर कुछ मंदिर में चढ़ाने के लिए जो खड़ाऊँ वगैरह भी हैं इनके पास, ये अलग अलग चीज़ें हैं। थोड़ा थोड़ा इनकाम के कौन लेके जाता है मंदिर में चढ़ाने के लिए? ये खड़ाऊँ है, ये किस काम आती है? रेती लगाने के लिए सुनार जो है वो गोल्ड स्मिथ है, वो लेके जाते हैं, ये भी सुनारे को लिए। और ये जो ये क्या चीज़ है? रेती जो मुठ्ठा है जो होता है उसमें लगाते हैं ये। और इसके बाद ये जो है, ये देखे जहाँ पर, ये क्या है? नग लगाने के लिए। ये सभी जो गोल्ड स्मिथ है, सुनार जो है, ये सारा उन्हीं का सामान है। और देखिए जहाँ पर ये अभी दुकान दिखा रहे हैं, ये जो पुरानी दुकान है, सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं इनको जहाँ पर करते हुए, और आज भी ये खरादिया बाजार में मौजूद है। और जब भी आप लुधियाना शहर में चौड़ा बाजार के पास आए तो खरादिया बाजार में इस दुकान को देखिए, और जिस दुकान में हर तरह के जो लकड़ी का सामान है मौजूद है, और इनके जो खराद है जहाँ खरादिया बाजार है, खराद इन्होंने कहीं और लगा लिया, लेकिन जो पुराने ईंटों का घर बना हुआ है इनका, और आज भी मौजूद है। और अभी हमने आपको दिखाया कि जो खरादिया बाजार है 1947 से पहले, जब हिंदू मुस्लिम वादी यहाँ पर रहती थी, जहाँ पर खराद का काम पहले जहाँ होता था, पहले लोहे का काम बहुत कम होता, जितना भी सब लकड़ी का काम होता था, लकड़ी के औजार होते थे और जो बनाए जाते थे वो खरादिया बाजार में लोग खरीदने के लिए आते थे। लेकिन आज खरादिया बाजार में एक ही दुकान जो मौजूद है, और हमने आपको दिखाया सोनू जी जहाँ पर ये खरादिया बाजार में खरादी का काम करते हैं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।